नमस्कार, मैं भाषा और इस समय न्यूज़ क्लिक की तरफ से हम पहुंचे हैं दिल्ली की पंचशील पार्क इलाके में। यहां पर लाल गुंबद झुग्गी बस्ती है। इस झुग्गी बस्ती में यहां पर हम आज रुख करेंगे बच्चों की तरफ। जिस समय ऑनलाइन शिक्षा का इतना लंबा चौड़ा प्रचार चल रहा है, बताया जा रहा है कि बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, लैपटॉप पर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं, दिल्ली के ये बच्चे जो इस बस्ती में रहते हैं वे कैसे पढ़ रहे हैं और उनकी माएँ किस तरह से संघर्ष कर रही हैं, ना सिर्फ घर का चूल्हा जलाने में बल्कि बच्चों को शिक्षा मुहैया कराने में किस तरह की दिक्कतें उन्हें महसूस हो रही है। मेरा नाम प्रिया, मेरी एज है 10 ईयर्स ओल्ड और मेरा स्कूल है विद्या बाल विहार और मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। अभी क्या घर में पढ़ रहे हो? ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? यस। कैसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस? अच्छा लग रहा है। स्कूल ज़्यादा अच्छा, ऑनलाइन क्लास ज़्यादा अच्छी? स्कूल में अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। ऑनलाइन क्लास में क्या मुश्किल लगती है? ऑनलाइन क्लास में अगर रिचार्ज नहीं होता है तो कट जाता है तो ना आधी जो पढ़ाई होती है ना वो कम हो जाती है। आगे जो पढ़ाई होती है कम हो जाती है मतलब? जैसे मैम ने आज, जैसे कल मेरा रिचार्ज खत्म हो गया और तब मैंने क्लास नहीं लिया तो मेरी कल की पढ़ाई छूट जाएंगी। मैम कुछ मैं 1 मिनट क्लास हो के बंद हो जाती है। फिर कब से कब तक क्लास होती है तुम्हारी? 9 बजे से 12:40 पे खत्म हो जाती है। तो तब तक बैठना पड़ता है? हाँ। मोबाइल लेकर? हाँ। क्लास क्या पूरी चलती है? हाँ। नहीं पूरी नहीं चलती, थोड़ा थोड़ी क्लास होती है फिर थोड़ी नहीं होती। कितनी देर क्लास होती है? 9:40 फिर 10:40 फिर 11:40 फिर 12:40 ऐसे। अच्छा। ऐसे लेकिन बीच में नेटवर्क खत्म हो जाता है। हाँ। तो मुश्किल हो जाती है। मेरा नाम सुचेतना है, मालवे नगर में 8th D में पढ़ती हूँ। और मेरी मम्मी का नाम चंचल है, मेरे पापा का नाम संजय है, मेरे भाई का नाम, बड़े वाले भाई का नाम सचिन है और छोटे वाले का शिवम नाम है। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? SKV मालवे नगर। अच्छा, तो अभी जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है तो क्या मुश्किल हो रही है? अभी पढ़ नहीं पा रहे ढंग से। क्यों? क्योंकि रिचार्ज खत्म हो जाता है। घर में स्मार्टफोन है सबके पास? हाँ। कितना स्मार्टफोन है? एक ही है, वो भी टूटा हुआ है। मेरा नाम है संचिता, मैं 5th क्लास में हूँ, मैं कन्या विद्यालय में पढ़ती हूँ। घर में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? घर में। कैसे पढ़ते हो? अब फोन नहीं है हमारे पास, हम किताब में ही पढ़ लेते हैं। पढ़ाता कौन है फिर स्कूल में? क्या फोन नहीं है किसी के पास? घर में फोन नहीं है? नहीं। तो सब बच्चों की तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना? हाँ तो हाँ पर चल रही है, हमारी भी चल रही है, बट हमारे घर में फोन नहीं है। मम्मी पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा गार्ड की नौकरी करते हैं। मेरी मम्मी वहाँ जाती है, कोठी में काम करती है मेरी मम्मी। अच्छा। माय नेम इज शिवम। कौन सी क्लास में? फिफ्थ ए। पढ़ाई का क्या हाल है? अभी तो बहुत मस्ती है, दिन भर खेल रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा है या स्कूल अच्छा है? स्कूल अच्छा है। स्कूल अच्छा है क्यों? घर में बैठने से अच्छा स्कूल ही जाए। स्कूल जाए? स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता है? पढ़ना अच्छा लगता है। क्या नाम है? राजा बाबू। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5th क्लास में। राहिल रॉय, माय नेम इज राहिल रॉय। कौन सी क्लास में? 4th। ये आप लोगों को कब मिला? ये 3-4 महीने पहले मिला था। 3-4 महीने पहले मिला था। इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या पढ़ते हैं आप लोग? इसमें हर सब्जेक्ट की अलग अलग क्लास होती है, 40-40 मिनट। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ डालो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, अंदर डालो जी जाएगी। मेरा नाम सुमन है और मैं यहाँ कम से कम 28 सालों से रह रही हूँ।
इस टाइम सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही हैं बच्चों के लिए, वो खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो फ़ोन में रिचार्ज कहाँ से कराएंगे। बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन है ही नहीं, ना तो स्मार्टफोन है ना कीपैड फ़ोन है, और जिनके पास है भी वो रिचार्ज नहीं करा पा रहे, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो कोठी क्वार्टरों में काम करने वाले हैं, कोई गार्ड की नौकरी करता है, कोई कोठी में झाड़ू पोछे का काम करता है, तो काम भी नहीं है। उन लोगों को मकान मालिक बुला नहीं रहे हैं काम करने के लिए, बहुत सारे लोग खाली करके चले गए हैं यहाँ से। जो लोग हैं जिनका गाँव में कुछ नहीं है, वही लोग ज़्यादा करके यहाँ पर रुके हुए हैं, और उनके पास इतना मतलब कई माँ बाप ऐसे मिले हैं जो लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, मोबाइल में ऑनलाइन काम आता है तो वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि स्कूल खुलता था तो कम से कम एक टाइम का उनको वहाँ खाना मिल जाता था, तो बच्चों को बहुत मदद मिलती थी। अब ये है कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना। अभी जो खाना मिलता था उसका राशन नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी जो आंगनवाड़ी में सिर्फ 15 दिन में एक बार मिलता है सूखा भोजन, दलिया, गुड़, चना, बाकी स्कूल में अभी उनको खाना नहीं मिल रहा है और ना ही इस बार उनको राशन मिला। मेरा नाम है सुनीता, 8 में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में? ये मालवीय नगर स्कूल, बड़ा स्कूल में। सरकारी स्कूल है जी। 8 में पढ़ रहे हैं आप? यस। एग्ज़ाम हो गया क्या? हाँ। कैसे एग्ज़ाम दिया, क्या किया? जब मेरे पे फ़ोन नहीं था तो मैंने किसी के फ़ोन से मैंने दे दिया इजमा, मतलब पेपर, जब मेरे पे फ़ोन नहीं था, जो मेरी फ्रेंड थी उसके फ़ोन से मैंने देख के कर लिया था। ऑनलाइन पढ़ाई में क्या आपको मुश्किल आ रही है? मतलब मेरे पे फ़ोन नहीं था पहले, तो मैं अगले महीने से फ़ोन लेके आए थे, अब तो चल मेरा मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है पढ़ाई। स्कूल अच्छा लगता है या ऑनलाइन पढ़ाई? स्कूल ही अच्छा लगता है। स्कूल में मतलब मैम अच्छे समझाती है, मैं फ़ोन में ज़्यादा समझ नहीं आता, स्कूल में मैम पूरा अच्छे समझाती है दो दो बार। स्मार्टफोन है घर में? टैब है। स्कूल से मिला है? हाँ। उसको रिचार्ज कौन कराता है? मेरे डैड। अच्छा, खुद ही रिचार्ज कराना पड़ता है? तरफ से नहीं होता। अपनी तरफ से पैसा लगाना पड़ता है? यस। तो जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो क्लास खत्म हो जाती है? आधी क्लास छूट जाते हैं। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि क्लास छूट गई, रिचार्ज खत्म हो गया? एक बार 10 बजे वाली छूट गई थी, एक बार 11 बजे वाली और 12 बजे वाली, तीन क्लासेस छूट गई थी एक बार। रिचार्ज खत्म हो गया था इसलिए? हाँ। फिर कैसे वो क्लास की? तो मैं अपने फ्रेंड्स से पूछ के फिर अपना होमवर्क पूरा किया था। पढ़ाई में मन लगता है, आगे पढ़ना है? यस। क्या करना है? टीचिंग। क्या होना है? टीचिंग। ये कितने बच्चों को मिला है आपके स्कूल में? ये तीसरी से पांचवी तक मिला है। तीसरी से पांचवी तक मिला है? हाँ। और उसके बाद वालों को? उसके बाद वालों को नहीं मिला है। स्कूल वाला बुलाए थे, उन लोग ने दिया है तो बोले कि 10,000 रुपया यहाँ साइन कर दो, जब टूटे फूटेगा तो 10,000 रुपया भरना पड़ेगा, फिर आपको ये दे रहे हैं हम लोग, तो हम लोग साइन करके फिर लाए बच्चों को पढ़ने के लिए। स्कूल ने टैब तो दिया है बच्चों को, लेकिन उनसे पहले 10,000 रुपये सिक्योरिटी का जमा कराया है कि अगर आपका फ़ोन टूट जाता है या कुछ होता है तो वो पैसे आप पहले जमा करो। उसके बाद में जब लोगों के पास काम ही नहीं तो वो रिचार्ज कहाँ से कराएंगे? लेकिन 10,000 देने तो नहीं पड़े ना? नहीं, जमा कराए हैं पहले, फ़ोन देने से पहले जमा कराए हैं जो माँ बाप। नहीं, 10,000 रुपये जमा किए हैं? हाँ। तो 10,000 रुपये मतलब उनको ले सकते थे, उनको बोला गया है। अब ये मुझे मतलब जो बच्चों को माँ बाप ने मुझे बताया कि 10,000 उनको देने पड़ेंगे अगर फ़ोन टूट जाता है या कुछ होता है। अच्छा, उसके देने पड़ेंगे। हाँ, उसके लिए तो ये तो काफ़ी दिक्कतें हैं। 10,000 रुपये लोग बच्चे हैं घर में, किसी के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो वो एक फ़ोन में कैसे पढ़ पाएंगे? काम तो सबका साथ में आता है, तो इसमें भी बच्चों की पढ़ाई काफ़ी मिस हो रही है। सुनीता नाम है मेरा, और 10 साल हो गए रहते हुए, 3 बच्चे हैं और राजस्थान की रहने वाली हूँ। ये बच्चे कहाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और किस स्कूल में हैं? ये 5वीं में है, ये 3री में है। अच्छा, क्या सरकारी स्कूल में जाते हैं प्राइवेट में? सरकारी में। सरकारी में? हाँ जी। अभी जो पढ़ाई चल रही है ऑनलाइन, कैसे पढ़ा रही हैं बच्चों को आप? कहाँ पढ़ाई कहाँ होती है, हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है तो कहाँ से कराएंगे पढ़ाई? पढ़ाई करवाते ही नहीं है, ऑनलाइन से आती है। तो मतलब आप पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं। आपके हस्बैंड भी नहीं है? नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। फ़ोन है? हाँ जी है, फ़ोन, स्मार्ट वाला फ़ोन है। हाँ। तो बच्चों का पढ़ाई आती है उसमें? हाँ आती है पढ़ाई।
अच्छा, लेकिन पढ़ाना नहीं आता? पढ़ाना नहीं आता, अनपढ़ तो कहाँ से पढ़ाएंगे। और नहीं पढ़ा, सिस्टम अच्छा नहीं है मैम, पता जिस बच्चे के लिए इनको अभी प्रोटीन खाना चाहिए, 9 बजे से 12:40 तक ये लोग कंटिन्यू करता है, 20 मिनट रेस्ट रहते हैं, बच्चे सुसु करने जाते हैं, पॉटी करने जाते हैं तो 20 मिनट लग ही जाता है, ऐसे भी है। तो ऑनलाइन पढ़ाई तो हमें पसंद नहीं है, लेकिन क्या है जो बच्चा भूल जाते हैं उसके लिए हम चाहते हैं कि थोड़ा घर का पेट काम करके भी हम यहाँ भी कैसे चला लेते, लेकिन बच्चों को थोड़ा इसलिए पढ़ाना चाहते कि भूल ना जाए आगे जाके, क्योंकि आगे का परिस्थिति पता नहीं है कि 2 साल खींचेगा कि 3 साल खींचेगा। जो कोरोना के हाल है अभी फिलहाल फिर सुनाया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर कोई वो है, तो हमारे बच्चे ऐसे भी कमज़ोर है। तो मेरा नाम तो भाषा हुआ, इनका नाम जो कैमरे पर है इनका नाम अनुष्का है। और मेरा नाम पल्लवी है। कौन सी क्लास में पढ़ती है पल्लवी? मैं थर्ड। थर्ड में अभी पढ़ाई चल रही है कुछ? ऑनलाइन क्लास तो चल रही है। कैसे पढ़ते हो फिर ऑनलाइन? मैम ऑनलाइन क्लास में पढ़ाती है, और मैम काम भेज के करना पड़ता है वो भेज के। अच्छा, तो स्मार्टफोन है? हाँ। किसका स्मार्टफोन है? मेरा, स्कूल से एक टैब मिला है और एक मोबाइल है स्कूल के काम करने के लिए। अच्छा, कौन से स्कूल ने दिया है? स्कूल का नाम क्या है? विद्या बाल विहार। कितना दूर है यहाँ से? पैदल जाते हो? हाँ। अच्छा, तो उस पे पढ़ाई शुरू हो गई है? हाँ। समझ आ जाता है ऑनलाइन? नहीं, समझ नहीं आता। क्या मुश्किल लगती है? मैम जो बोलती है ना तो अटक अटक, थोड़ा धीरे धीरे आवाज़ आती है, सुनाई नहीं देता। अच्छा, जो बोलती होंगी वो ठीक ठीक से समझ नहीं आता? हाँ। और एक थोड़ा दूर होता है, बैबरे पुल है, 12:40 पे ख़त्म होती है, लेकिन एक मिनट या 2 मिनट पे क्लास ख़त्म हो जाती है नेटवर्क के प्रॉब्लम से। ओ, नेटवर्क की दिक्कत है। हाँ। तो पढ़ाई तो फिर हो नहीं पा रही कायदे से? नहीं, अच्छे से नहीं होती। कब से पढ़ाई बंद है? बहुत महीने हो गए। महीने हो गए। बहुत महीने हो गए। अच्छा अच्छा, क्या लगता है क्या होना चाहिए? स्कूल खुल जाएगा तो आराम होगा? हाँ। स्कूल जाना पसंद है घर में रहना? घर, स्कूल जाना। स्कूल में क्या अच्छा लगता है? वहाँ पे पढ़ते हैं सब बच्चे, मैम आती पढ़ाती हैं और तो अच्छा लगता है। अभी कितने दोस्त और हैं जिनकी पढ़ाई रुकी हुई है? बहुत सारे हैं। तुम्हें आगे पढ़ने का मन है? क्या करोगे पढ़ के आगे? मैं टीचर बनना चाहती हूँ बड़े होकर। टीचर बनना चाहते हो? यहाँ मेरे संपर्क में लगभग 40-50 लोग तो होंगे ही, जो बच्चे हैं कि मतलब पढ़ नहीं पा रहे। अगर उनके पास फ़ोन भी है तो उनके माँ बाप नहीं पढ़ा पा रहे, और जिनके पास फ़ोन नहीं है तो वो तो कोई पढ़ाई नहीं पा रहे। किसी के पास रिचार्ज नहीं है, किसी की नौकरी नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। माय नेम इज करण। करण, कौन सी क्लास में? फिफ्थ। इसी के साथ पढ़ते हो? हाँ, मालवीय नगर। अब तो दिन भर खेल रहे हो? हाँ। पढ़ाई का क्या हाल है? ठीक, अभी लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन लगा, बीमारी ज़्यादा है। ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है? स्मार्टफोन नहीं है। स्मार्टफोन नहीं है? स्कूल से नहीं मिला? नहीं। तो क्या बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही? स्मार्टफोन है ही नहीं है, रिचार्ज नहीं है? है, घर पे पढ़ते हैं। हाँ? घर पे पढ़ता हूँ। घर पे पढ़ते हो? किससे? अपनी किताब से? अकेले? हाँ, और ट्यूशन भी जाता हूँ, ट्यूशन वाली दीदी भी पढ़ा देती हैं। ट्यूशन वाली दीदी भी पढ़ा देती हैं। घर में कौन कौन है, क्या काम करते हैं? पापा गार्ड की नौकरी करती हैं और मम्मी गांव गए हैं। स्कूल पसंद है या घर में रहना पसंद है? स्कूल। स्कूल क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम लोग उसमें पढ़ते हैं और सब 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 याद करते हैं, और हम आके घर पे भी पढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है हमें। स्कूल में खेलते भी तो हैं? हाँ। यहाँ पे भी खेलते हो? यहाँ क्या क्या खेलते हो? तुम्हारे हाथ में कौन सा खेल है?
ये हमारे टैटू है, हम खेलते हैं। टैटू खेलते हैं। आगे पढ़ाई करने का मन है? क्या बनने का मन है? कहाँ तक पढ़ोगे? मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस क्या अच्छा लगता है? मुझे सबकी मदद करनी है, और जैसे चोर और हो गए तो उनको पकड़ना है। चोर देखे कभी फिल्म में? हाँ। ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, देखो 40 मिनट की 9 से 9:40 तक क्लास होती है, 9:15 पे क्लास स्टार्ट होता है, 10 मिनट लगता है बच्चों को सारे लाने में, नाम में, एब्सेंट लगा हाजिरी लगाने में। उसके बाद 20 मिनट कभी नेटवर्क खत्म हो जाता है, फिर मैम लिख के देते हैं तो वो चीज़ समझ नहीं पाते ना, जो स्कूल में बोर्ड ब्लैक बोर्ड में समझाते हैं बच्चों, जैसे समझते हैं 50 बच्चों में मान लो 10 बच्चे के दिमाग तेज़ हो तो पकड़ लेती है। जो बच्चे में दिमाग तेज़ नहीं है कि माँ बाप थोड़ा सा पढ़ने में कम है, तो उनके लिए बड़ी परेशानी है, दिक्कत बाकी है। लेकिन बच्चा अब छोटा है, अभी इस टाइम स्कूल भी खुलने का इरादा नहीं है, और खुलेगा भी तो हम जल्दी इसको भेज भी नहीं सकते अभी। बाकी सरकारी में बोलते हैं कि चलो सरकारी में भेजो, मदद मिल रहा, राशन मिल रहा, पैसे मिल रहा, अभी तक तो किसी को मिला नहीं। और सरकारी में जो प्राइवेट में थोड़ा बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है इसलिए, और प्राइवेट में तो सरकारी में तो वो भी नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या है और आप क्या काम करती हैं? मेरा नाम पुतुल है, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं इतना नहीं करती हूँ, मेरे को कहीं कुछ मिल जाता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेती हूँ। और हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड फैक्ट्री में करते हैं, एक्सपोर्ट लाइन में। बच्चे कितने हैं और कैसे? सब मोबाइल से पढ़ रहे हैं? नहीं, बड़ा वाला पढ़ाई छोड़ दिया है क्योंकि उसका 12th क्लास था, पास हो गया उसने, तो उसको एडमिशन कॉलेज में फॉर्म भरे थे, 1500 रुपया लगा था, लेकिन 2 साल से कॉलेज बंद है। वो कलकत्ता में है, अपने नाना नानी के पास रहते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है, उसके बाद हम लोग के पास जैसे हर महीने रिचार्ज करवाना, कहाँ से करवाएं? ये भी तो दिक्कत। हम लोग गरीब आदमी 400-500 की दहाड़ी करते हैं, अब उसमें से हम किराया दें कि खाने को पेट में रखें, रिचार्ज कराएं, कौन से बच्चों में क्या खर्च नहीं लगता, तो बहुत सी दिक्कतें तो झेल ही रहे हैं। अच्छा, रिचार्ज भी खुद ही कराना है? वो तो मैं हूँ, खुद ही कराना पड़ रहा है। लेकिन इसका तो रिचार्ज आपको नहीं कराना ना? नहीं, एक बार उन लोग करके दिए थे, बाकी अब बाद में हम लोग के कराना पड़ रहा है। मतलब इसका रिचार्ज आप लोगों को कराना? हाँ, हम लोग के कराना पड़ रहा है। 600 रुपया लगती है रिचार्ज कराने में इसकी। 600 रुपया लगती है, अगर जो एक महीना वाला कराते तो उसमें नेट पूरी नहीं मिलती है, तो ये हाँ क्योंकि क्लास करते टाइम लगता क्लास नेट कम मिलती है ना, एक महीना का कराते हैं फिर बच्चों को क्लास बीच में रुक जाती है, इसलिए वो 600 वाला कराना पड़ता है। अभी जो बच्चों को ये मिला है, ये कैसे मिला, क्या मिला, कितना फ़ायदा है इससे? इनमें मिला था, मुझे साइन करवा लिया था, मुझे बोला था जो कुछ होगा टूटे फूटे मोबाइल में चाहे कुछ खराबी हो तो 10,000 रुपया आपको भरना पड़ेगा। इसके स्कूल प्राइवेट है? मैम प्राइवेट तो नहीं बोला, आधा सरकारी प्राइवेट बोला, ये एनजीओ की तरफ से, मुझे पता नहीं क्या। अच्छा, ये एनजीओ की तरफ से मिला है? विद्या बाल विहार स्कूल है ये। अच्छा, फीस देनी पड़ती है इसमें? नहीं, 150 रुपया महीना फीस भरती हूँ, साल का 1,000 रुपया बड़े बच्चों का, छोटों के 1,100 रुपये बढ़ी थी अभी एडमिशन करवाई थी तो। जी मैम, हाँ 150 रुपये महीना हर महीना। खाना पीना भी मिलता है स्कूल में? हाँ मिलता है, खाना मिलता है बच्चों को, एक टाइम का खाना भी देती है बच्चों को खाने के लिए, एक टाइम का खाना मिलता है। इसमें ज़्यादा समझ नहीं आता, इसमें ना व्हाइट बोर्ड में ना टेढ़ा मेढ़ा लिख जाता है, तो उस वहाँ पर स्कूल में साफ साफ दिखता है और अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखा होता है। आपका नाम क्या है और आप यहाँ कब से रहती हैं? मेरा नाम भावना झा है, आज 14-15 साल हो गया हमारे यहाँ पर। अच्छा। कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार। क्या काम करती रही हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पहले ट्यूशन करती थी, लेकिन लॉकडाउन के जब से हुआ पिछले साल से सब अपना गांव वापस चला गया, और बच्चों का ऑनलाइन अब क्लास चल रहा है तो ट्यूशन का ज़रूरत नहीं है, तो सारा बच्चा अब नहीं है मेरे पास। लेकिन ऑनलाइन क्लास कैसे करते हैं बच्चे? जिन जिन के पास फ़ोन है उन लोग फ़ोन से करते हैं, जिनके पास नहीं है तो उन लोग नहीं करते। तो कितने बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई छूटी इस बस्ती में? ऐसे तो आधा से ऊपर भी होएगा, जैसे मेरा ही है, मेरा पास फ़ोन नहीं है तो मेरा बच्चों का ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाता है। पढ़ के आगे क्या बनने का मन है? मुझे तो पुलिसमैन बनने का मन है, पढ़ के पुलिसमैन। हाँ, क्यों पुलिसमैन? क्योंकि उसमें जो चोर डकैते होते हैं उसे पकड़ के जेल में बंद करने का, जेल में बंद करने का, क्योंकि वो गंदे लोग होते हैं ना बहुत।
इसलिए। उसके लिए क्या क्या तैयारी करोगे? उसके लिए पहले तो खूब अच्छे से पढ़ाई करना है, फिर बाद में ट्रेनिंग लेनी है पुलिस मैन की, फिर पुलिस में भर्ती हूँ। ये किसने बताया? ये मैं अपने मन से सोच। अच्छा, अपने मन से सोचा। हाँ। ऑनलाइन शिक्षा को लेकर जितना भी प्रचार प्रसार टीवी पर और विज्ञापनों पर आपको अच्छा लगता हो, लेकिन सोचिए उन बच्चों के बारे में जहाँ पर उनके घरों में अनाज नहीं है, खाने को रोटियाँ नहीं हैं। वे बच्चे जो अभी तक पढ़ रहे थे, लेकिन आज इस कोरोना काल में, लॉकडाउन में, बेरोजगारी में, उनसे उनकी पढ़ाई का हक छीन लिया गया। शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है, लेकिन क्या किसी सरकार ने सोचा कि इन तमाम बस्तियों में रहने वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अनगिनत बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कुछ के पास है भी तो उनके परिजनों को स्मार्टफोन में पढ़ाना नहीं आता, वे खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। वे कहते हैं कि इसीलिए वह बच्चों को पढ़ाना चाहते थे ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके, लेकिन हमें सिर्फ इसी बस्ती नहीं, इस तरह की लाखों करोड़ों बस्तियां जो पूरे देश में फैली हैं, उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा कि जो पढ़ाई बहुत चमकती हुई लैपटॉप में दिखाई दे रही है और जिसमें बहुत बड़ी पूंजी आ रही है, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की एक तरफा कोशिश हो रही है, वह इन बच्चों के भविष्य को कैसे तबाह करेगी? अगर कोरोना महामारी है तो अशिक्षा और अज्ञान भी उससे कम बड़ी महामारी नहीं है। इस महामारी से निपटने के लिए, इन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए आखिर सरकारों ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ए बी सी डी ई एफ ए जी जी एट एट आई आई।